हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। देखेंगे इसमें नो कांटेक्ट में क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, जब आप दोनों का बातचीत नहीं हो रही है वो क्या सोचते हैं, क्या कांटेक्ट में आने के बारे में सोचते हैं, हाँ तो कब तक वो कांटेक्ट में आएंगे, वो कब बात आपसे करेंगे, खुद से होकर कभी करेंगे कि नहीं, और अगर आप करते हो उनसे बात करने की कोशिश तो उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या सही तरीके से पहले की जैसे पहले की तरह आप दोनों कांटेक्ट में आओगे, जो सिचुएशन, जो रिलेशनशिप, जो लवी डवी एनर्जी पहले थी आप दोनों के बीच, वैसा रिलेशनशिप फिर से बिल्ट होगी आप दोनों के बीच, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं, ऑल साइंस रीडिंग है ये, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबके लिए है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, और प्राइवेट ट्रेडिंग बुक करना चाहो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो। तो क्या है नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, जब बात नहीं हो रही है आप दोनों का, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं आपको, डेफिनेटली आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, जो आपके साथ पल रहे हैं, जो आपके साथ मोमेंट्स रहे हैं, ब्यूटीफुल मोमेंट्स, आप दोनों का फ्लर्ट करना, आप दोनों का घूमना फिरना, एंजॉय करना, बातें करना, जिस रिश्ते में आप थे, हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी फ्लर्टी मिजाज के हैं, या तो आप हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी फ्लर्ट करते थे, रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, ऐसा चांसेस है। ठीक है, तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि यस, ये आपको याद करते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं, आप दोनों का बात करना, टॉक्स करना इनको याद आती है, और जब भी आपके बारे में सोचते हैं, आज सिचुएशन को देखते हैं, तो इनकी एनर्जी ऐसा होता है कि मुझे उसके साथ आगे तो बढ़ना है, उसके साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, बट स्लोली स्लोली, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही मैं कुछ जल्दबाजी चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप उसके साथ आगे बढ़ना है, इस तरह के माइंडसेट में है ये पर्सन, इस तरह की एनर्जी में है, इनका सोच मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको लेकर। टॉरस वर्गो के कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या तो आपका साइन हो सकता है ये, कुछ लोग ने मुझे ऐसा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, इनके लाइफ में कोई और पर्सन इन्वॉल्व है, या तो आपके साइड से ऐसा कुछ है, तो आपके पार्टनर कुछ ऐसा मिस्टेक्स नहीं करना चाहते जिससे ना आप हाथ आओ ना कोई दूसरा है वो, ठीक है, ये आपको खोना पड़े, आप दोनों को अलग होना पड़े, तो ये कोई मिस्टेक्स नहीं करना चाहते। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, इन्होंने जो पास्ट में गलतियाँ करी है, इनको पता है कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनकी फीलिंग्स स्पेशली मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपको लेकर, कि अब मुझे और कुछ गलतियाँ नहीं करना है जिससे मैं उसको खो दूँ, वो मुझसे दूर चली जाए या चला जाए। तो आपके पार्टनर का ऐसा सोच मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी केयरफुली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ये, और देखते हैं और क्या है इनकी फीलिंग्स नो कांटेक्ट में। ओके, ये आपको अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर की तरह देखते हैं ये आपको, ये आपको इस तरह से देखते हैं कि आप इनके फैमिली हो, आप में होम ढूंढते हैं, घर देखते हैं, ये इन्होंने देखा है, इनको पता है कि जब भी आपके साथ होते हैं या आपके साथ होते हैं ये काफ़ी खुश रहते हैं, काफ़ी हैप्पी रहते हैं, ज़िंदगी को खुलकर जीते हैं, इन्जॉय करते हैं, आपके साथ जो भी मेमोरी है, जो भी मोमेंट्स रहे हैं, जो भी पल रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत रहा है, काफ़ी यादगार रहा है, जिसको भुलाए नहीं भूल सकते ये कभी। आप में एक हस्बैंड वाइफ ढूंढते हैं, ये देखते हैं, ये रोमांटिक फीलिंग्स तो है ही, उसके अलावा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मेरा अदर हाफ है, आधा हिस्सा है, आपको अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट ये मानते हैं, ठीक है, आपको अपना होम मानते हैं, आपको अपना परिवार मानते हैं ये। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, स्पेशली पाइसेस, आप दोनों के बीच काफ़ी कुछ अंतर है, डिफरेंसेस है, कोई आग की तरह है, कोई एक पानी की तरह है, यहाँ पर आग और पानी का कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दे रहा है, कोई शॉर्ट टेम्परेट हो सकता है, कोई काफ़ी कूल एंड काम है, किसी का मिजाज काफ़ी शांत है,
वहीं कोई काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल है यहाँ पर, तो ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कोई टॉक्सिक एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ आपके रिश्ते में, या तो आप दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी टॉक्सिक हो गए थे, या तो कोई टॉक्सिक एनर्जी है, कोई और पर्सन है, कोई और लोग हैं, किसी का इंटरफेयर है जो कि टॉक्सिक हैं, आपके रिश्ते के लिए हानिकारक हैं। तो ऐसे पर्सन को, ऐसे लोगों को आपके पार्टनर आप दोनों के बीच अब नहीं आने देना चाहते, ठीक है। जाने अनजाने में वो इन्वॉल्व हुए हैं या उनको लाया है इन्होंने, आपके पार्टनर ने या तो आपने, पर अब नहीं लाना चाहते कोई और तीसरे पर्सन को, ठीक है। कोई सही नहीं थे, किसी का एनर्जी राइट नहीं था, किसी ने गलत एडवाइस दिया या तो इनको या तो आपको, पर अब इनको एहसास हो गया है कि अब किसी का नहीं सुनना है, खुद का सुनना है, सामने पर्सन का सुनना है, तो इनको एहसास हुआ है, तो किसी टॉक्सिक किसी थर्ड पर्सन को आप दोनों के बीच नहीं लाना चाहती, ना ही लाएंगे। क्या ये कांटेक्ट करेंगे आपको? क्या ये खुद से कभी कांटेक्ट करेंगे आपको? मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपने लाइफ में बिजी हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपको ज़रूर सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके साथ लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ जो ड्रीम्स देख रखा है, जो इमेजिन किया है इन्होंने, जो इनका विश है, ज़रूर उसको फुलफिल करना है, उसको पूरा करना है, आपके साथ फैमिली बनाना है या फैमिली में शामिल करना है आपको, या इनको आपकी फैमिली में शामिल होना है, जो भी हो, मुझे फैमिली दिखाई दे रहा है, मुझे कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, मुझे एक होना दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनकी फीलिंग्स ऐसा है कि मुझे इसके साथ फैमिली क्रिएट करना है, मुझे इसके साथ लाइफ क्रिएट करना है, बट बहुत जल्द कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ। उससे पहले ही अपना कैरियर सेट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, आराम से स्लोली स्लोली आपकी ओर बढ़ेंगे, या आपके साथ जो भी इनका ड्रीम है, विश है, वही फैमिली क्रिएट करना, कंप्लीशन करना, वो पूरा करेंगे, पर स्लोली स्लोली, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो अब देख लेते हैं, अगर आप सोच रहे हो कांटेक्ट करने के बारे में, तो इनका रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या आपको कांटेक्ट करना चाहिए? अगर आप कांटेक्ट करते हो तो इनका रिस्पॉन्स क्या होगा? ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये प्रैक्टिकली टॉक्स करेंगे आपसे, ठीक है। और वहीं कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन होंगे जिनका नज़र इन पर होगा या इनके फ़ोन पर होगा, या अगर ये कहीं और इन्वॉल्व हैं तो इनके लिए मुश्किल होगा आपसे बात करना, ये चाहेंगे आपसे बात करना, आपको कांटेक्ट करना, पर ऐसे दिखा सकते हैं कि ये नॉर्मल हैं, ठीक है, इनको नीड नहीं है आपकी या आपसे बात करने की, ये दिखाएंगे नहीं। वैसे तो इनको काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप इनको कांटेक्ट करोगे, इनको खुशी होगी, दिल से काफ़ी खुश होंगे, इनको सुकून मिलेगा, पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए अगर कोई और इन्वॉल्व हैं तो इनको टेंशन होगी कि किसी और को पता ना चल जाए कि आपने कांटेक्ट किया है, और अगर ये आपसे बात करते हैं तो किसी और को पता चल गया, यानी कि जो इनके लाइफ में हैं उनको पता चल गया, तब तो मुश्किल सिचुएशन आ जाएगी। तो आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हैं स्पेशली रोमांटिक, तो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं, चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोग के लिए आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं बट काफ़ी प्रैक्टिकली, ठीक है, ऐसे दिखा रहे हैं कि ये काफ़ी कूल एंड काम है, काफ़ी खुश हैं, हैप्पी हैं, अपने लाइफ में बिजी हैं, इनको आपकी कोई याद वगैरह नहीं आ रही थी, ये तो मज़े में है अपने लाइफ में, इन्जॉय कर रहे हैं। आपको कुछ लोग के लिए मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं कि आपसे बात करके आप पर उपकार कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं करना चाहते थे बट आपने किया तो कर रहे हैं, ऐसा कुछ एनर्जी, ऐसा फीलिंग्स, ऐसा फील आप करा सकते हैं।
तो क्या आपको इनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए? जो आपका इंट्यूशन कह रहा है सुनिए, क्या कह रहा है आपका इंट्यूशन? क्या आपका इंट्यूशन कह रहा है कि इनको कॉन्टैक्ट करो तुम, या कह रहे कि नहीं 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 साइलेंट हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम खुद पर फोकस करो, अपनी लाइफ में कुछ बन जाओ, या खुद पर फोकस करो, अपनी लाइफ पर, कैरियर पर, फैमिली पर, अपनी हीलिंग पर, पॉजिटिविटी पर? क्या कह रहा है आपका इंट्यूशन सुनिए और वही करिए जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर यही कार्ड आया है आपके लिए, एडवाइस यही मिल रहा है आपके लिए, मैसेज यही मिल रहा है कि आप किसी और का नहीं, किसी का बात मत सुनिए, किसी का बात मत मानिए, खुद का सुनिए, खुद के इंट्यूशन का, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।